इंटरनेट चलाते हो, ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हो, अरे भैया यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो आपकी जो आईपी है वो जा चुकी है इन सबके पास। लेकिन रुको रुको, क्या आपको पता है इस आईपी एड्रेस से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है, आपकी रियल टाइम लोकेशन रिवील हो सकती है। कैसे? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस, मैं आपको बताऊं किसी और की आईपी कैसे ट्रेस करी जाए, उसके पहले तो समझते भैया ये आईपी एड्रेस क्या होता है। तो देखो, जो आईपी एड्रेस होता है, एक तरह से आप मान लो आप कार लेते हो, बाइक लेते हो, तो उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है, ताकि अगर आगे जाके किसी को आप ठोकते हो या फिर किसी से कुछ गलत काम करवाते हो उस बाइक से, उस कार से, तो उस नंबर से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो उसमें एक नंबर मिलता है, तो वो जो नंबर है वो आपको तभी मिलता है जब आप आपका आईडी प्रूफ देते हो, ताकि उस फोन से अगर आप कुछ गलत काम करो तो आपका एड्रेस पता चल जाए और एड्रेस से आप तक पहुंचा जा सके। इसी तरह ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, किसी भी ऑपरेटर की सिम ली हुई है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसने आपको जब भी आप नेट चलाते हो तब आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया जाता है। फिर आप जब जब जो जो वेबसाइट एक्सेस करते हो, विजिट करते हो, तो हर वेबसाइट के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आप कौन हो, कौन से ब्राउजर से हो, कौन से फोन से हो, और इवन उनको ये भी पता चलता है कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है। So, भैया घुमा फिरा के बोले तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये टेक्निकल टर्म में बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ही होता है नेटवर्क में जितने कंप्यूटर कनेक्टेड है उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है। किसी को ये नहीं पता कि आपका कंप्यूटर का नाम क्या है, आपके मोबाइल का नाम क्या है, उसको आईपी एड्रेस पता है। सो इंटरनेट से जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है, फोन ले लो, कंप्यूटर ले लो, या अगर आईओटी डिवाइसेस है, आपकी वॉच है या फ्रिज है, तो उन सबको भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा जाता है। और ये जो आईपी एड्रेस है ये उसी से प्रोवाइड करा जाता है जिसने आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया। मान लो आपका एयरटेल कनेक्शन है, जियो का कनेक्शन है या वोडाफोन का कनेक्शन है, तो ये लोग आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके पास भी आईपी एड्रेस मिलता नहीं है, मतलब ये लोग भी घर पे नहीं बनाते, ये आईपी एड्रेस जो है वो अलॉट करा जाता है, एक अथॉरिटी है IANA। सो गाइस, यही वो अथॉरिटी है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो इसी के पास पूरी अथॉरिटी है, मतलब वर्ल्ड में जितनी आईपी एड्रेसेस हैं वो सब इसी ने अलॉट करे हैं, और ये पूरा मैनेज करके चल रही है कि किसको कौन सी आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है। तो इसके सेक्शन में आप जाएंगे तो यहां पे आता है आईपी एड्रेसेस, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो इनने अलग-अलग रीजन से पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करा हुआ है। तो यहां पे देखेंगे तो एशिया के अंदर इंडिया आता है, तो एशिया के लिए इन्होंने अलग पूरा एक रीजन बना के रखा है, APNIC के अंदर पूरी चीजें आती हैं। सो भैया घुमा फिरा के बोले तो जितने अपने ISP हैं, एयरटेल, जियो, इन सबको जो आईपी मिली है वो इसके थ्रू मिली है। तो इनको बंच में मान लो 1 लाख आईपी मिल गई, 1 करोड़ आईपी मिल गई, फिर वो 1 करोड़ आईपी को वो लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग लोगों में। अब आपको अगर आपकी आईपी पता करना है कि आपकी आईपी क्या है जो आपको मिली हुई है, क्योंकि आप इंटरनेट चला रहे हो, तो इंटरनेट चलाने के पहले आपको एक आईपी मिलती है ताकि सबको पता चल जाए कि आप कौन हो। तो अगर आप गूगल पे जाते हैं और यहां पे लिखते हैं व्हाट इज माय आईपी, तो आपको आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो ये जो आईपी है ये आपकी आईपी एड्रेस है जो कि आप ही को असाइन की हुई है, ये आईपी अभी इस टाइम पे और किसी को असाइन नहीं हुई है। तो अगर आप कुछ भी काम करते हो तो इस आईपी से ट्रैक किया जा सकता है कि आप कौन सी वेबसाइट कब विजिट कर रहे हो। तो आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे तो उनके पास ये लॉग जाएगा कि आप जो हो वो ये हो। अब गाइस आप बोलोगे मैंने तो मेरी आईपी दिखा दी, अगर आपको किसी की आईपी मिल भी जाती है तो उससे आप अभी हाल फिलहाल अभी जहां तक ये वीडियो पहुंचा है वहां तक आप किसी की भी रियल टाइम लोकेशन नहीं लगा सकते पता। तो नीचे जितनी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी हम आपको आईपी ट्रैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब जो है एक तरह से एडसेंस से पैसा कमा रही है। देखो एड ही एड भरे हुए हैं पूरी वेबसाइट पे, तो यहां से ये पैसा कमा रही है, और ये जो रिकॉर्ड ला रही है वो यहीं से ला रही है। सो APNIC जो है जिसने ये आईपी प्रोवाइड करी है, तो इसके पास एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि ये आईपी इसने किसको प्रोवाइड करी। तो यहां पे इसी की वेबसाइट पे ऊपर देखिए आएगा हु इज एन वेबसाइट, यहां पे आप किसी की भी आईपी, जिसकी भी आईपी आपको मिलती है वो यहां पे लिख के एंटर करेंगे। तो यहां पे बकायदा ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर आईपी है ये दी किसको थी, मतलब इसने किसको अलॉट करी थी। तो यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखो यहां पे आप स्क्रॉलिंग करोगे तो ये जो आईपी है ये मिली थी मालवी नगर भोपाल में मध्य प्रदेश में एयरटेल वाले को, मतलब एयरटेल का जो एक्सचेंज है वहां पे ये आईपी अलॉट हुई है। अब इसी से ये जो पता लगाती हैं, ये जो दूसरी वेबसाइटें हैं जो बताती है कि आप एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो, आप भोपाल के हो, MP को, ये सारा डेटा लाते यहीं से, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने पब्लिक करा हुआ है कि कौन सी आईपी इन्हें किसको अलॉट करी, उससे ये पता चल सकता है कि उसकी जो सिटी क्या है और उसके बाद ये जो आईपी किस एक्सचेंज को अलॉट हुई है, एयरटेल को हुई है, जियो को हुई है, किसको हुई है, और हुई है तो फिर उस किस सिटी के अंदर वो जो एयरटेल वाला है वो ये आईपी यूज कर रहा है। तो वो सारी डिटेल जो है यहां पे मिलेगी। और जितनी वेबसाइट चलती है सब सिर्फ ऐड से पैसा कमा रही है, अपन खुद ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं और लोग इस पे सर्च करेंगे तो अपन को पैसा मिलेगा जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा। और ये जो डेटा लेके आती है ऐसी वेबसाइटें वो सब यहीं से ला रही है ऑफिशियल अथॉरिटी से। और गाइस यहां पे एक चीज गौर करने वाली है, आप जब भी आपका मॉडम ऑन ऑफ करोगे या फिर फोन पे फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करोगे तो आपकी आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इंडिया में ज्यादातर लोगों को
डायनामिक आईपी मिलती है। डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहती है। स्टैटिक आईपी बोलते हैं अगर आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है तो जब तक आप इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं तब तक आपको वही आईपी एड्रेस यूज होगा। सो यहाँ पे जो IANA है उसने सब लोगों को आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया, तो ये जो आईपी है ये पैसों में मिलती है। सो यहाँ पे मान लो एयरटेल के पास 100 आईपी एड्रेस है और उसके पास 200 कस्टमर है। अब वो 200 लोगों को उसको वो आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड करवाना है, तो अगर एयरटेल के पास 100 ही है और 200 कस्टमर है तो उसको ये भी पता है कि वो 200 कस्टमर एक साथ हर बार इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं रहते, तो ये क्या करते हैं आईपी एड्रेस बचा लेते हैं। जब आपकी नेट बंद करते हो या फिर अगर आप आपका फोन बंद रखते हो या मॉडेम बंद करते हो तो इतने टाइम के लिए आपकी आईपी एड्रेस जो भी थी वो और किसी को अलॉट हो जाएगी। फिर जब आप ओपन करोगे तो आपको एक अलग आईपी एड्रेस अलॉट कर दी जाएगी। अब यहां पे एक दिक्कत भी हो सकती है कि अगर सब लोग एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, इतनी उनके पास आईपी नहीं है, तो भैया फिर हो जाएगा सर्वर डाउन, फिर थोड़ी देर के लिए मेंटेनेंस कर देंगे या फिर नेट कनेक्शन बंद करवा देंगे। इससे होगा क्या कि फिर वो वापस से कुछ लोग चले जाएंगे, फिर जितने आएंगे वित्तीय आईपी जो है वो एक तरह से अलॉट होती जाएगी। सो घुमा फिरा के अब ये बात आती है कि जो ये आईपी एड्रेस होता है क्या हम घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आईपी किसकी है, वो इंसान अभी रियल टाइम पे कहां है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया इस वेबसाइट पे जाके, जो IANA वाली वेबसाइट है वहां पे जाके तो आप पता ये लगा सकते हो कि उसकी कंट्री क्या है, सिटी क्या है, वो कहां का है, कौन है। लेकिन अब इसकी रियल टाइम लोकेशन आप पता नहीं लगा सकते क्योंकि जो आईपी है वो पर्टिकुलर किसी को अलॉट नहीं हुई है। आईपी घूम रही है। इसका मतलब यह वही एक आईपी अलग अलग लोगों को अलॉट करी जा सकती है उस सेम रीजन में। मतलब मान लो मैं भोपाल में रहता हूं तो भोपाल में जिस भी एरिया पे जिस भी एक्सचेंज में इनके पास आईपी का बंच है वो आईपी उस पूरे एरिया में अलग अलग लोगों को कनेक्ट करवा सकता है। तो आप रियल टाइम लोकेशन पता नहीं लगा सकते लेकिन ये पता लगा सकते हो वो आईपी कौन से स्टेट की है या कौन से सिटी की है, लेकिन उस सिटी के अंदर कहां पे है वो आप नहीं पता लगा सकते ऐसे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके, या फिर जिसने ये आईपी अलॉट करी है वो लोग भी पता नहीं लगा सकते क्योंकि IANA जो है उन्हें एयरटेल को दे दी। अभी एयरटेल अपने लेवल पे एक लॉग मेंटेन करता है, उसमें ये बताता है कि भैया इस टाइम पे इतनी से इतनी देर तक ये आईपी किसके पास अलॉटेड थी। सो इनके पास लिस्ट आ जाएगी कि कितने लोगों के पास वो आईपी गई, फिर ये पता लगाएंगे कि वो आईपी इस डेट को इस टाइम के बीच में किसके पास अलॉटेड थी। उससे ये पता चल जाएगा भाई उसकी सिम का नंबर क्या है, अगर उसने ब्रॉडबैंड लगवाया तो उसने डॉक्यूमेंट दिया है, घर का एड्रेस भी पता है, तो उससे वो चीज ट्रैक करी जा सकती है। लेकिन हमारे हाथ में या किसी वेबसाइट के हाथ में ये पूरा डेटाबेस नहीं है। ये अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है और ISP का इन्वॉल्वमेंट आता है तो ISP अपने लेवल पे लॉग मेंटेन करके चलता है इस डेट पे इस टाइम के बीच में ये आईपी किस किस को मिली, ताकि कल को अगर कुछ हो तो वो आईपी तो पता नहीं कितनों को मिली होगी। तो घुमा फिरा के फिर उनको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर डेट और टाइम के बीच में वो आईपी किसके पास थी, उससे उसके घर तक एड्रेस पता चल जाएगा। क्योंकि अगर नेट कनेक्ट यूज करना है या नेट चलाना है सिम चलाना है तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। अब तो भैया आधार कार्ड आप पूरी दुनिया से लिंक करा रहे हो तो आप आधार कार्ड में नंबर ही बस डालना है, उससे ये पता चल जाएगा आपकी कितनी सिम है, कितने बैंक अकाउंट है, आपका एड्रेस कहां पे है। उसके बाद उससे ये भी पता चल जाएगा कि भैया आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करी, क्योंकि जो वेबसाइट विजिट करोगे वहां पे आपकी आईपी जाएगी, आईपी से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके आप तक पहुंच लिया जाएगा। और गाइस यहां पे बहुत सारी वेबसाइट है जो बोलती है कोई भी लिंक दे दो हम एक शॉर्ट URL बना के देंगे फिर वो किसी को भी शेयर कर दो ताकि उनकी आईपी आप तक आ जाए। तो आप किसी फ्रेंड की आईपी भी मंगा सकते हो लिंक के अंदर बाइंडिंग करके, क्योंकि देखो जो आईपी होता है वो कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है हर वेबसाइट वाले को पता रहता है कि ये जो विजिटर है जो इसकी वेबसाइट विजिट कर रहा है उसकी आईपी क्या है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वेबसाइटें बना के रखी है, कोई आईपी ट्रैकिंग दिखा रहा है, कोई आईपी लॉगर वाली वेबसाइट है जो कि बोलती है कि भैया आप कोई भी मुझे लिंक दे दो मैं उसको जो है वो बाइंडिंग कर दूंगा, उसके बाद वो लिंक किसी को शेयर कर दो ताकि वो लिंक कोई ओपन करेगा तो आप तक जिसने वो लिंक बनाया उस तक उसकी आईपी पहुंच जाएगी जिसने वो ओपन करा, उससे आप अपने फ्रेंड्स की आईपी मंगा सकते हो। तो चलो आईपी तो आप किसी की भी मंगा लोगे उससे उसकी सिटी पता चल जाएगी, लेकिन रियल टाइम लोकेशन आपको कोई भी वेबसाइट नहीं देगी। क्योंकि अगर कोई वेबसाइट दे देगी, पहली बात तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट हम जैसे लोग ही बनाते हैं एडसेंस से पैसा कमाने के लिए, एड से पैसा कमाने के लिए हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। फिर वेबसाइट का डेटाबेस आता है तो डेटाबेस इधर उधर से हमको मिल जाता है, उससे हम एक वेबसाइट बना के आपको दिखा सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस होता है कि कौन सी आईपी का किसका नंबर है, उसका घर का एड्रेस क्या है, ये सब आप किसी वेबसाइट पर देख ही नहीं सकते क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये ISP के पास है और ISP इन सबको प्राइवेट रखता है। अगर ये पब्लिक कर देगा तो फिर तो प्राइवेसी की मम्मी पापा हो जाएंगे, इसलिए ये जो डेटा है ये किसी को नहीं बताया जाता। और जितनी वेबसाइट चलती है सब बस अपने आप में पैसा कमाने के लिए, एड से पैसा कमाने के लिए आपको सारी चीजें बताती है। सो भैया घुमा फिरा के बोले तो आईपी एड्रेस से आपके घर का लोकेशन पता लगाया जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं लगाया जाता जब तक आप कुछ गलत काम ना करें। मतलब ये ट्रैकिंग तो बिछा के रखी है, मतलब पूरी दुनिया में हम जो भी चीज करते हैं कहीं ना कहीं से हमको ट्रैक तो किया ही जा सकता है। हम कार चलाते हैं, कार के नंबर से ट्रैक किया जा सकता है, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल नंबर से रियल टाइम लोकेशन पता चल जाएगी। उसके बाद उससे हमको ये पता चल जाएगा वो इंसान जो है वो डॉक्यूमेंट क्या दिए हैं उसने, उसका फिंगरप्रिंट क्या है, उसके बाद आई रेटिना क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा आधार कार्ड से। घुमा फिरा के कुछ भी हम कर लें तो एक तरह से ट्रैकिंग में है, हम गवर्नमेंट की या एजेंसी की ट्रैकिंग में हम जो भी करते हैं हर चीज जो है उनके पास जा रही है, वो हमको वापस से रिवर्स ट्रैक कर सकते हैं। जाते जाते एक ही चीज कहूंगा, जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो सही करें, सुरक्षित रहें और SidTalk के वीडियोस देखते रहें।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है आईपी एड्रेस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल टॉपिक के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।